चलिए बात अगर उत्तराखंड की हो रही तो आप कुछ राजनीतिक भी किया कर ली जाए। अभी जो है ये एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि सीएम धामी जो है लंदन के लिए जो कि रोड शो करने वाले हैं वहां के लिए आप थोड़ी देर बाद जो है वो रवाना होने वाले हैं। ये बड़ी खबर आ रही है कि सीएम धामी जो है आज ब्रिटेन के लिए रवाना हो जाएंगे। यही बड़ी खबर है कि सीएम धामी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए लंदन में रोड शो करेंगे और उसी रोड शो को देखते हुए उसी के मद्देनज़र वो रवाना होने वाले हैं। आपसे थोड़ी देर बाद जो ब्रिटेन रवाना होंगे 28 सितंबर को ये रोड शो बताया जा रहा है। इसके उनके साथ साथ जो है कई अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता देहरादून से आशीष रमोला जी हैं जो कि हमें बताएंगे सीएम धामी कितने बजे रवाना होंगे और अभी क्या नए हालात हैं। देखिए अगर बात कर जाए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जिस तरीके से प्रस्तावित दौरा था कि 26, 27 और 28 सितंबर को यानी कि कल परसों और तरसों जो है तीन दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने आला अधिकारी और अपने डेलीगेशन के साथ जो है वो लंदन को जाने वाले हैं। अभी अगर बात कर जाए तो कल शाम को ही जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है वो दिल्ली रवाना हो चुके थे और अभी वो दिल्ली में बस अब कुछ ही देर में जो है कुछ पलों का इंतजार है कि जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुछ देर बाद ही लंदन को रवाना होंगे और वहां जाके जो एक सबसे बड़ा अब ये बात जो इन्वेस्टर समिट है उसको लेके वहाँ जाएंगे और सभी से वहाँ मिलेंगे और निवेशकों से बात करेंगे। तीन दिन वहाँ वो है लगातार वहाँ अधिकारियों से भी मिलेंगे और जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो बड़े उद्योगपति हैं उनसे बात करेंगे कि उत्तराखंड आए निवेश करें यहाँ कुछ एक ऐसी मशीनरी लगाएं जिससे यहाँ के युवाओं को जो है वो यह फायदा पहुंचे। और जिस तरीके से एक जो बात करी गई है खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा एक जो बात कही जा रही है कि अगले 5 वर्षों में राज्य की जो एचडीपी है उसका दुगुना करने का लक्ष्य है। इसी लक्ष्य के लिए चलते हुए ये इन्वेस्टर समिट कराना एक बड़ी बात भी यहाँ पे सरकार के लिए है और लगातार ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट लगातार सीएम की बात भी चलती रहती है सभी इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ लगातार वार्ताओं जी। आशीष जी मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या इससे पहाड़ों को कुछ फायदा होगा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से या फिर ऐसे ही। जी बिल्कुल यही एक सबसे बड़ा सवाल या निशान है क्योंकि जब पिछली की अगर बात कर जाए 2018 की जब तत्कालीन मुख्यमंत्री उस समय जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत थे उस समय भी इन्वेस्टर समिट हुआ था। उस समय कई सारी दिक्कतें आई थी जो इंडस्ट्रियल आए थे उन्हें जमीन मुहैया नहीं करा पाए थे तो ये एक सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे देखा गया था। लेकिन सरकार ने अब उन्हीं चीजों में जो है वो यहाँ पे काम किया है कि इस तरह जो पहली बारी में जो दिक्कतें आई थी वो इस बार ना आए और इन्हीं सब चीजों को लेकर जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट से मिल भी रहे हैं। अब सबसे बात यह है जब ये उद्योगपति उत्तराखंड आएंगे यहाँ निवेश करेंगे उत्तराखंड की अगर बात कर जाए यहाँ का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो पहाड़ी राज्य है छोटा सा राज्य है उत्तराखंड। अब यहाँ अगर बात कर जाए निवेश की तो उत्तराखंड में जब बड़े उद्योगपति यहाँ आएंगे उनको निवेश के लिए तो कई तरीके की यहाँ पॉलिसी जो है वो उनके लिए बनाई जाएगी। सिंगल विंडो सिस्टम यहाँ बनाया गया है जिससे जो है अड़चने न आए कि फाइल कभी इधर जा रही है कभी उधर तमाम तरीके की जो परेशानियां आए उनसे मुखातिब ना होना पड़े जगह जगह चक्कर ना मान पड़े तो उसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम यहाँ पे बनाया गया है। आशीष जी आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जिस जब त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार थी तब विपक्ष ने ग्लोबल समिट इन्वेस्टर पर जबरदस्त सवाल उठाए थे क्या अब भी विपक्ष सवाल उठा रहा है कि वाकई में क्या धामी के सरकार में कुछ फायदा होगा लोगों को या नहीं होगा या सिर्फ एक चुनावी झुंझुनाई से कहा जा सकता है क्योंकि सवाल तब भी उठे थे क्या अब भी सवाल उठ रहे हैं। ये बिल्कुल अगर बात कर जाए विपक्ष का तो जो विपक्ष का काम है वो बखूबी यहाँ पे किए जा रहा है। जो विपक्ष है तमाम सवाल या निशान यहाँ पे खड़े कर रहा है। विपक्ष का यही साफ तौर पे कहना है कि जो सरकार है वो बाहर निवेश करने के बजाय पहले उत्तराखंड में अगर उसकी बात करी जाए तो यहाँ पहले जो ढर्रा है उसको सही तरीके से करे चाहे अभी इस समय बात कर जाए देहरादून में डेंगू की बात करी जाए जिस तरीके से आपदा आई थी अभी कई क्षेत्रों में तो आपदा से जो नुकसान है उसको ढंग से देखे जोशीमठ की जो आपदा थी तो पहले उत्तराखंड में जो अभी मौजूदा समय में जो स्थिति है उसको किस तरीके से बेहतर बनाना है उसको लेके पहले सरकार काम करे यानी और नहीं तो निवेशकों को बाद में लाया जाए लेकिन जो उत्तराखंड में अभी पहले जो स्थिति है उसको लेके ठीक करे। तो विपक्ष समय समय पे लगातार जो है वो सरकार पर सवाल या निशान यहाँ पे खड़ा करता जा रहा है कि सरकार जो है वो एक सिर्फ झुंझुना हिला रही है इंडस्ट्रियलिस्ट की बात वो यहाँ पे कर रहे हैं कि बड़े उद्योगपति यहाँ आएंगे निवेश होगा उत्तराखंड का यहाँ पे जो युवाओं हैं उनको रोजगार मिलेगा तो यही सारी जो बातें हैं वो विपक्ष यहाँ पे कह रहा है कि ये सब कुछ नहीं है सिर्फ एक चुनावी मुद्दे को एक यहाँ पे बुनाया जा रहा है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जो है सरकार का लंदन जाना दुबई जाना वहां से निवेशकों को लाना अब ये अब बड़ी बात है कि सरकार पे जिस तरीके से सवाल या निशान विपक्ष यहाँ पे खड़े कर रहा है सरकार किस तरीके से उसका एक जवाब यहाँ पे देगी निवेशकों को यहाँ पे लाएगी और रोजगार जो युवाओं हैं उनको किस तरीके से जो यहाँ पे पलायन होता था उनको किस तरीके से यहाँ रोजगार मिलेगा। धामी की फ्लाइट कितने बजे कोई जानकारी है अभी आपके पास
फिलहाल जी अभी अगर बात कर जाए तो मौजूदा अभी टाइम का कुछ नहीं, लेकिन जिस तरीके से बात यहाँ पे निकल के आ रही थी कुछ ही क्षणों में जो है अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली से लंदन थोड़ी देर में रवाना हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी, ये थे आशीष रमला हमारे संवाददाता देहरादून से, जो कि बता रहे थे कि अब से थोड़ी देर बाद जो है धामी, सीएम धामी जो है वो लंदन के लिए रवाना होंगे, जहाँ पे वो रोड शो करेंगे ताकि ग्लोबल समिट इन्वेस्टर्स के तहत जो है वो लोगों जो नौकरियां हो या फिर जो इन्वेस्टर्स हो वो देहरादून आएँ या उत्तराखंड आएँ, ताकि यहाँ पे जो है वो रोज़गार लोगों को मिल सके।